नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक। मैं सत्या पौर। आइए एक नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कोयले की राजधानी कहा जाने वाला जिला धनबाद अपनी वर्चस्व कायम करने को लेकर गोली चलाना व हत्या करना इस धरती का इतिहास रहा है। कोयले की काली कमाई तथा क्षेत्र के लोगों में अपना दबदबा कायम करने के लिए कोयले की काली धरती कब लाल हो जाए कहना मुश्किल है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, या फिर यूं कहा जा सकता है कि अपने अपराध पर पर्दा डालने के लिए राजनीतिक का चोला पहने हुए हैं। बीते दिन झरिया के सुदामा डी इलाके में लोगों पर अपना दबदबा कायम करने के लिए रघुकुल के समर्थकों द्वारा न सिर्फ आम लोगों को बुरी तरह से पीटा गया बल्कि बंदूकें भी चमकाई गई। और जब इसकी सूचना लोगों ने स्थानीय पुलिस को दी तो पुलिस के सामने ही उन रघुकुल समर्थकों ने न सिर्फ फायरिंग की बल्कि एक युवक को गोली भी मार दी। शनिवार को भी दोपहर लगभग 1 बजे झरिया स्थित VCCL के एना कोलरी में आउटसोर्सिंग का काम कर रहे RK माइनिंग में 3 बाइक पर सवार 6 लोग पहुंचकर यहां काम कर रहे मजदूरों और कंपनी प्रबंधन में खौफ पैदा करने के मकसद से अंधाधुंध गोलियां फायरिंग करने के साथ बम भी विस्फोट किया। दहशत फैलाने के बाद बड़े ही आराम से निकल गए। घटना की सूचना मिलने पर झरिया पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और मौके पर मौजूद चश्मदीदों से पूरे घटनाक्रम को जाना। घटनास्थल से पुलिस ने जिंदा गोलियां, खोखे तथा एक बम भी बरामद की है। वहीं क्षेत्र में बढ़ रहे अपराध पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नेशनल कोऑर्डिनेटर वीरेंद्र पासवान ने बयान जारी कर प्रशासन से अंकुश लगाने की मांग की है। झारखंड के धनबाद में आउटसोर्सिंग कंपनियों में नौकरी देने के नाम पर धनबाद के युवा वर्ग के लोगों के हाथों में लगातार हथियार थमाने का काम झारखंड के धनबाद में हो रहा है और आए दिन इस प्रकार की घटना यहाँ एक कॉमन बात है, आम बात है। पिछले दिनों आउटसोर्सिंग कंपनी में नौकरी के नाम पर सैकड़ों राउंड गोलियां चली है, कई युवक जेल में गए हैं। पर अक्सर देखा जाता है कि जब कानूनी प्रक्रिया की बारी आती है तो दोषी केवल युवा वर्ग के लोगों को बनाया जाता है और जो लोग इन युवा वर्ग के लोगों के हाथों में हथियार थमाने का काम करते हैं वैसे राजनेता साफ तौर पर हमेशा बचकर निकल जाते हैं। इस मामले में हमने झारखंड सरकार को भी सोशल मीडिया ट्विटर के माध्यम से लिखित आवेदन दिया था जिस मामले में झारखंड प्रशासन ने संज्ञान लिया है, पर हमारा धनबाद प्रशासन इस मामले में हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। मैं झारखंड प्रशासन से और धनबाद प्रशासन से यह मांग करता हूं कि जिस प्रकार इन युवकों को सलाखों में डालने का काम धनबाद प्रशासन ने किया है उसी प्रकार पूरी जांच प्रक्रिया कर जिन लोगों ने इन युवकों के हाथों में हथियार थमाने का काम किया है उनको भी झारखंड सरकार और धनबाद प्रशासन झारखंड प्रशासन सलाखों के पीछे डालने का काम करे और इसमें किसी प्रकार की कोताही ना बरते। जहां तक मैं देख रहा हूं धनबाद प्रशासन इसमें कुछ लोगों के ऊपर हाथ डालने से बच रही है, इसलिए मैं झारखंड सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इन युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए ठोस कानूनी कार्रवाई करें। चाहे वह कोई भी लोग हो, कोई भी राजनेता हो, जिन लोगों ने भी इन युवकों के हाथों में हथियार थमाने का काम किया है और इनकी मोटी कमाई से उनका घर और उनका वर्चस्व चलता है वैसे लोगों के ऊपर कानून कार्रवाई करने का आदेश झारखंड सरकार जल्द से जल्द दे।